नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एपीएमसी हमीरपुर में 1,25,00,000 रुपए किए जाएंगे खर्च। किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए एपीएमसी आने वाले समय में हमीरपुर, सुजानपुर और जाहू में नवनिर्मित दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने जा रही है, कहा एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा ने। कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत जिला के राजकीय व निजी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में मॉक टेस्ट का किया गया आयोजन। परीक्षा में 7,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति करवाई दर्ज। हमीरपुर पुलिस ने चोरी के मामले में संलिप्त भगोड़े को पकड़ने में सफलता की हासिल। आरोपी मोहम्मद जनबर पर आईपीसी की धारा 379, 411 और 34 के तहत मामला साल 2008 में हुआ था दर्ज। पकड़े गए आरोपी को नादौन कोर्ट में किया जाएगा पेश। जिला हमीरपुर में 4 दिनों के भीतर एनडीपीएस का 3रा मामला आया सामने। पुलिस ने जाहू में मंडी के रहने वाले एक युवक को पकड़ा 5.34 ग्राम चिट्टे के साथ।